पर एक लड़की ने तो इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोला ना कि मैम को चेक करना पड़ा कि मिलना है। अब तो जो मैंने बवाल कर दिया सो कर दिया, मैंने कचड़ा कर दिया पूरा। हुआ तो मैम ने मुझसे जो पूछा, मैं इतना घबराई हुई थी कि मुझे तुरंत मना कर दिया कि नहीं आप नहीं बैठ सकती हैं फिर यहाँ पर, जिनकी भी हाइट 155 से कम है। हेलो एवरीवन, मैं साचा से वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस गाइस, मैं इंटरव्यू देने गई थी एंड आप सभी के मन में ये बात आ रही होगी कि मुझसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया एंड कैसे कैसे राउंड हुए एंड क्या क्या टॉपिक्स थे जो वहां पे पूछे जा रहे थे, मैंने कहाँ तक क्लियर किया एंड सारी ही चीजें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ ये सारी ही चीजें शेयर करूँ। सो यस गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो वहां पे क्या क्या पूछा गया, कैसे क्या राउंड्स हुए एंड मैंने क्या क्या कैरी कर रखा था अपने साथ डॉक्यूमेंट में एंड मैं कैसे ड्रेस्ड अप होकर गई थी। तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम अ कैबिन क्रू, सो सी दिस वीडियो वेरी केयरफुली। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब दिस चैनल येट, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो गाइज, सबसे पहले तो वॉक इन इंटरव्यू था। वॉट इज वॉक इन इंटरव्यू एंड ऑनलाइन इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू वॉक इन हुआ था, बट ऑनलाइन इंटरव्यू भी होते हैं थ्रू द मेल। अगर ऑनलाइन आपने अप्लाई किया है तो आपको वहां से जब तक मेल नहीं आ जाता तब तक आप वहां पे इंटरव्यू देने नहीं जा सकते हैं। एंड अगर आप जानते हैं लोकेशन एंड वॉक इन इंटरव्यू वहां पे हो रहे हैं बट आपने अप्लाई ऑनलाइन कर दिया है तो फिर भी आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते हैं, आप जाइए वहां पे। और ये अच्छी बात रहेगी कि आप वहां पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपको इंटरव्यू देने का मौका दे भी सकते हैं, क्योंकि अगर वॉक इन इंटरव्यू है तो वो देंगे ही देंगे, बट अगर ओनली ऑनलाइन ही इंटरव्यू है दे डोंट गिव योर परमिशन। अप्लाई इसमें नहीं करना होता है, बस अपनी लोकेशन एंड अपना एड्रेस देखना होता है। अगर आप उस एड्रेस को जानते हैं, अगर लोकेशन आपको पता है, तो बस आप मुंह उठाइए, नहाइए धोइए एंड चले जाइए। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। सुबह 6 बजे मैं रेडी हो गई थी क्योंकि बहुत दूर पड़ता है मेरे घर से लोकेशन जहाँ पे मुझे जाना था, तो मैं फटाफट से आधे घंटे पहले ही आप पहुंच जाइए तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, वेल एंड गुड रहता है, क्योंकि वो ये भी देखते हैं कि आप कितना टाइम के पंक्चुअल हैं एंड आप कितने टाइम पे आ भी गए हैं। इफ यू आर गेटिंग लेट सो दैट इज अ वेरी बैड इंप्रेशन। सो मैं फटाफट से रेडी होकर टाइम पे निकल गई थी, यहाँ से मैं टाइम पर पहुंच भी गई। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, हालांकि मेरा ये सेकंड टाइम इंटरव्यू था। जब मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हुआ था तब तो मैं पहले राउंड से धक्के मार के निकाल दी गई थी क्योंकि मैं इतना डरी हुई थी, फर्स्ट टाइम था तो आई नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग। सो मैं वहां सिर्फ इसीलिए गई थी ताकि मुझे नॉलेज मिल जाए कि कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़े से मेरे वहाँ फ्रेंड्स बन जाए ताकि मैं कंफर्टेबल रहूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। सो मैंने यही किया, मैं फर्स्ट टाइम गई, टाइम पर पहुंच गई एंड उसके बाद मैंने वहाँ पे थोड़े से फ्रेंड्स भी बनाए जिनसे मैंने अपना कम्युनिकेशन किया, उनसे थोड़ी सी डिटेल्स भी ली कि कैसे कैसे क्या होता है क्योंकि वो पहले भी दे चुकी थी। वहाँ पे कई लड़कियां आई थी जो 7-7 टाइम पे दे चुकी थी इंटरव्यू एंड 4th-4th टाइम पे वो निकाल दी गई थी, तो दैट्स वाई। तो उनसे भी मुझको बहुत कुछ जानने को मिला एंड उस टाइम पे मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, कोई ब्लॉगिंग नहीं गई थी क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी और ऊपर से मेरा फर्स्ट टाइम था, तो दैट्स वाई मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैंने ओनली फोकस किया वहाँ के एनवायरमेंट पे, वहाँ के लोगों पे एंड सारी चीजें जो भी वहाँ हो रही थी, दैट्स इट। तो फर्स्ट राउंड में जैसे ही हमें एंट्री मिली थी फर्स्ट टाइम पे, तो वहां पे पहले ही मैम ने कुछ चीजें क्लियर कर दी थी जो हमारी एचआर थी। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अगर किसी की हाइट, जिनकी भी हाइट 155 से कम है, वो पहले ही उठ के यहाँ से जा सकते हैं। तो उनमें से एक लड़की थी जिसकी हाइट 155 से कम थी, वो कह रही थी कि मैम मुझे कंफर्म नहीं है कि मेरी कम है बट आई थॉट कि मेरी कम है, तो एक बार आप चाहे तो आप चेक भी करवा सकती हैं, बट मैम ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं आप नहीं बैठ सकती हैं फिर यहाँ पर। बट दैट इज अ वेरी बिग फॉल्ट ऑफ द गर्ल बिकॉज इफ यू नॉट कन्फर्म अबाउट योर हाइट सो वाई यू आर सेइंग दैट कि मतलब मेरी हाइट मुझे कन्फर्म नहीं है एंड यू आर गिविंग जस्ट माइनस पॉइंट टू द एचआर डायरेक्टली ऑन योर फर्स्ट इंप्रेशन इवन। सो दैट्स टोटली एचआर ने मना कर दिया कि आप नहीं दे सकती हैं, आप तो चली जाइए। उसको पहले इंटरव्यू दे देना चाहिए था, फिर वो तो बीएमआई में चेक ही करते ना, पहला इंटरव्यू तो एटलीस्ट वो क्रैक करती है एंड फिर उसको बीएमआई पता चल जाता है उसकी हाइट कितनी आ रही है वहाँ के बीएमआई में। बट वो लड़की ने ये गलती करी, तो आप लोग मत कीजिएगा, इसलिए मैं ये गलती आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड शी इज ड्रेस्ड सो वेल, बट फिर भी उसकी एक हाइट की वजह से उसे तुरंत के तुरंत निकाल दिया गया। पर मैं वहाँ पे एकदम ताला मार के बैठी हुई थी एंड आसपास की सारी चीजें मैं ऑब्जर्व कर रही थी। उस एक रूम में 4 राउंड हो रहे थे, यस गाइज, उसी एक रूम में 4 राउंड हो रहे थे। पहला हमारा, जस्ट हमारे बगल में एक और एचआर थे, मेल एचआर, वो ले रहे थे इंटरव्यू। उसके बाद वहां पर एक और कम्युनिकेशन राउंड चला था विद थ्रू द लैपटॉप एंड उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के लिए आई थिंक। उसके अलावा वहां पे मेडिकल राउंड भी चल रहा था, तो ये 4 राउंड चलते हैं। ओके, सो पहला इंटरव्यू जो मेरा हुआ, तो मैम ने मुझसे जो पूछा, मैं इतना घबराई हुई थी कि मुझे वहां पे, एक तो पहली चीज ये थी कि मैम वहां पे बहुत ज्यादा स्लो बोल रही थी बिकॉज द अदर इंटरव्यू इज गोइंग ऑन ना, सो दैट्स व्हाई उनका समझ ही नहीं पाई कि वो क्या कह रही हैं। तो मैंने गलत आंसर दे दिया था, जो उन्होंने क्वेश्चन किया मैंने उसको जस्ट अपोजिट आंसर दे दिया, दैट्स व्हाई आई रिजेक्टेड। सो या दैट डजंट मैटर, फर्स्ट टाइम आप रिजेक्ट हो रहे हो उसे डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं है एंड आप चाहे 15 बार भी रिजेक्ट क्यों ना हो जाए, उससे आपको कुछ ना कुछ हर बार नया सीखने को मिलता है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी हो जाती है, आपको वहाँ उस जगह के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार मैं यहाँ पे इतनी बार आ चुकी हूँ, आप डरने की क्या बात है, क्योंकि डर धीरे धीरे खत्म होता है ना कि बढ़ता है, बट फर्स्ट टाइम आपका डर का लेवल ना एकदम हाई लेवल होता है, तो दैट्स वाई। सो जस्ट काम एंड कंट्रोल योर फियर ऑफ इंटरव्यू। सो या
तो उसके बाद फिर मैं सेकंड टाइम इंटरव्यू जब देने गई तो मैंने व्लॉगिंग भी करी। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी बना लिए थे, तो उनमें से भी कुछ फ्रेंड्स मेरी अगेन आई थी। पहले कॉल करके उनसे डिस्कस कर लिया कि आप लोग भी आ रहे हो, आप लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स तैयार किए हैं, तो उससे मुझे थोड़ा और हेल्प मिल गया। तो हालांकि वहाँ पे कुछ भी काम तो नहीं आया, बट फिर भी एटलीस्ट यू हैव टू बी प्रिपेयर ना। नहीं हुआ फर्स्ट टाइम में, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू का जो लाइन था वो सबसे लास्ट में हुआ था। दैट्स वाई आई थिंक वहाँ की जो और भी लड़कियाँ थी ना, जिन्होंने अच्छा भी बोला, उन्हें भी निकाल दिया गया था, क्योंकि दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। तो दैट्स वाई वहाँ पे जैसे अगर उनको 11 लड़कियाँ चुननी है, तो वो 3-4 राउंड में ही, जो 3-4 राउंड स्टार्टिंग के लेती है ना, उसी रो में चुन लेती हैं। उसके बाद जो लास्ट के रो रहते हैं, फिर उनके उनको एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाने होते हैं, तो फिर वो नहीं चुनती है उनमें से, चाहे जितना ही अच्छा फिर कोई क्यों ना बोल दे। तो इसलिए कोशिश करें, टाइम पे जाइए, टाइम पे रो में लग भी जाइए एंड अंदर चले जाइए इंटरव्यू देने। जितना आप फ्रेश टाइम पे जाएंगे, एचआर का भी माइंड फ्रेश रहता है एंड वो अच्छे से इंटरव्यू लेता है, सेलेक्ट भी फटाफट करता है। 6 से 7 लड़कियां एक रो से निकाल लेता है, 10-10 का रो जाता है, जरूरी नहीं 20-20 का भी चला जाता है, डिपेंड ऑन द एचआर। सो या एंड जब हम लोग सेकंड टाइम गए थे, तो वहां पे 2020 का ही बुला रहे थे, इसलिए हम लोग को फटाफट से, हम लोग को आधे घंटे में बुला लिया गया था। एंड मैं सेकंड या थर्ड रो में ही चली गई थी। सो या तो मैं जब सेकंड टाइम वाले में गई, तो वहां पर जो एचआर थी वो इतनी पोलाइट थी, इतनी अच्छी थी। फर्स्ट वाले में भी अच्छी थी, बट वो बहुत ज्यादा धीरे बोल रही थी। बट सेकंड वाली जो एचआर थी, जो हमारे सेकंड मतलब सेकंड मेरे इंटरव्यू में थी, इतनी पोलाइट, इतनी स्वीट, इतनी सुंदर भी थी ना वो, सीरियसली आई एम स्टक ऑन हर फेस। एंड या टोटली मुझसे क्वेश्चन किया इंग्लिश में। एंड वहाँ भी ना मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घबरा गई, सेकंड टाइम में भी मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। एंड जब उन्होंने क्वेश्चन किया, तो जो मुझे आता है मैं वो भी नहीं बोल पा रही थी, आई एम टोटली ब्लैंक यार, क्योंकि मैं इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा खराब हूँ, कि मुझे जो आता है मैं वो भी फिर नहीं बोल पाती, जहाँ पर मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर जाती हूँ। उससे पहले मैं बाहर बहुत पटर पटर बोल रही थी, एंड अंदर जाते ही ना मैं एकदम जैसे सब खा ही गई कि यार मुझे बोलना क्या था। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस पर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन मैम ने, ऐसी एचआर थी ना वो, उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने थोड़ा सा मुझसे फिर आगे वो बढ़ गई, दूसरों से उन्होंने पूछने लगा। मैंने तो सोचा कि यार अब तो मुझे मौका नहीं मिलना है, अब तो जो मैंने बवाल कर दिया सो कर दिया, मैंने कचड़ा कर दिया पूरा, इस बार भी मैं पहले राउंड से धक्के देकर निकाल दी जाऊंगी। बट जब सबसे एचआर ने पूछ लिया, फिर एचआर ने मुझ पर वापस से अपना पॉइंट दिया कि ये शिवानी यू कैन कंटिन्यू। तो मैंने कहा कि हाँ ये तो मेरे लिए गोल्डन चांस हो गया, आप मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो फिर मैंने जो थोड़ा बहुत बोला, क्योंकि मैंने कुछ भी दोबारा से प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि आई थॉट ना कि अब मेरा तो चांस नहीं आना है, बट शी आस्क्ड मी अगेन। सो मैंने फिर थोड़ा बहुत बोला, तो फिर उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि हो सकता है यहाँ पे नहीं बोल पा रही, तो शायद आगे बोले। तो उन्होंने फिर मुझे अगेन मौका दिया एंड उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, एंड आई एम टोटली ग्लैड फॉर दैट। तो फिर मैं सेलेक्ट हो गई फर्स्ट राउंड के लिए, एंड मैं इतनी शॉक में थी ना कि मतलब। तो फिर मेरा बीएमआई राउंड होना था, वहाँ पे सेकंड राउंड इज बीएमआई, जरूरी नहीं होता है कि आपका सेकंड राउंड बीएमआई ही हो, कहीं कहीं पे थर्ड राउंड भी बीएमआई हो जाता है, दैट डिपेंड ऑन द एचआर एंड द टीम। सो या तो बीएमआई में भी मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि मेरे हैंड्स वगैरह ना बहुत अच्छे नहीं दिखते, ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एंड ऑल्सो माई टीथ इज अ प्रॉब्लम, ओके, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो इस बारे में मैं आप लोग को अभी नहीं बताऊंगी, मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि ये चीज़ें मेंशन होती हैं या नहीं होती हैं। तो वहां पे हुआ तो था, बट या फिर मैंने अपना बीएमआई राउंड क्लियर कर लिया था जी। एंड ब्राइट कलर की नेल पेंट्स अलाउ नहीं है, तो हमेशा न्यूड नेल पेंट्स ही लगा के जाए, उससे थोड़ा सा ना कलर भी फेयर लगता है। सो आफ्टर दैट फिर मेरा थर्ड राउंड हुआ, तो थर्ड राउंड में मेल एचआर थे, उनको बहुत जल्दी था, तो उन्होंने ज्यादा हमसे कुछ पूछा ही नहीं, और बल्कि सारी लड़कियां ना उन्हीं के लिए बहुत बोल रही थी कि जो मेल एचआर है वो बहुत खराब है, बहुत कुछ पूछ रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं, वैसे पूछ रहे हैं, सिर्फ हाइट एंड आपका एज ग्रुप पूछ के ही बस आपको निकाल दे रहे हैं, ये वो ऐसा वैसा। तो मैं बहुत मतलब डर में थी थोड़ा सा कि मतलब निकाल देंगे ये वो, ऐसे ही बस पूछेंगे और निकाल दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। बट मेल एचआर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो ये मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे से देख रहे थे। एक लड़की को ना यहाँ पे हल्का सा कट का मार्क था, उन्होंने 3 बार उसको चेक किया एंड निकाल दिया, हर लाइट में चेक किया 3 बार, इधर की लाइट में, उधर की लाइट में, उधर की लाइट में, कि तीनों में ही विजिबल हो रहा है। तो फिर उन्होंने उसको निकाल दिया, और फिर मेल एचआर ने हमसे पूछा कि व्हाट इज योर प्लेस, वेयर डू यू लिव, एंड व्हाट इज योर एज। सो मैंने भी बहुत फिर मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया उसका, तो फिर उन्होंने हम लोगों को आगे जाने दिया। फिर एक लड़की थी जिनको ना फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स ही पिंपल्स, एकदम भरे हुए थे पिंपल्स, तो उन्होंने बोला अगर आप सिलेक्ट जाते हो तो इन 1 मंथ यू रिड्यूस योर पिंपल्स, जस्ट गिव मी अ श्योरिटी एंड देन आई विल अप्रूव यू टू गिव इंटरव्यू। शी सेड कि सर श्योरली वर्क ऑन दिस, एंड तो ऐसे उन्होंने सब पे लिख भी दिया था, सबकी सीवी पे लिख दिया था कि इन 1 मंथ यू हैव टू कंट्रोल योर सारी चीजें। सो आफ्टर दैट अवर लास्ट राउंड इज, उसमें भी हम क्लियर हो गए। फिर हमारा जो लास्ट राउंड था वो कम्युनिकेशन राउंड था विद मेन एचआर, तो वो थ्रू द लैपटॉप था, आई थिंक हर जगह पे थ्रू द लैपटॉप तो होता ही होता है। तो फिर हम ऐसे ही 4-4 की लड़कियां बैठ रहे थे एक एक रो में, एंड वहां पर एक लड़की ने तो इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोला ना कि मैम को चेक करना पड़ा कि उसकी हिंदी भी आती है कि नहीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा फ्लुएंट इंग्लिश में जवाब दे रही थी। तो मैम ने फिर उसकी हिंदी भी तुरंत के तुरंत, जैसे रिमोट से नहीं चेक करते चैनल्स, वैसे उन्होंने चेक किया कि दैट्स व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गर्ल, आई डोंट रिमेम्बर।
सो चेंज स्विच इन हिंदी स्विच इन इंग्लिश अगेन स्विच इन हिंदी स्विच इन इंग्लिश सो दैट्स हाउ शी चेक देयर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस सो या बी प्रिपेयर एंड बहुत ज़्यादा उस पर काम करने की जरूरत रहती है कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश पे. तो फिर मेरे टाइम पे जब हुआ तो मुझसे मुझे बहुत टाइम वेट करा है मुझे मतलब 15-20 मिनट मुझे वेट करने को बोल दिया. फिर वो आई फिर उन्होंने मुझसे इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस किए मैंने उनके जवाब दिए बट उन्होंने ना बहुत ज्यादा मुझसे क्रॉस क्वेश्चंस नहीं किए क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं बहुत ज्यादा शेयर करने को. हाँ तो आई लाइक ट्रैवलिंग एंड ऑल बट मेरे ख्याल से शायद वो सुन ही नहीं पाई कि मैंने ट्रैवलिंग का भी उसमें मेंशन किया. मैंने कुछ ज्यादा फिर फ्लो में बोल दिया मैंने बहुत ज्यादा जल्दी में बोल दिया तो शायद उन्होंने ना चीजें मेरे ढंग से सुनी ही नहीं एंड फिर उन्होंने क्या किया ना मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा नहीं करी. थोड़े बहुत उन्होंने क्वेश्चन किए दैट्स इट फिर मैंने उनका अच्छे से जवाब दिया बस. बहुत ज्यादा मैंने जल्दी बोल दिया आई थिंक थोड़ा सा मुझे चीज़ों को लॉन्ग खींचना चाहिए था ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल उनको दिखती बट मैंने क्या किया बहुत शॉर्टली मैंने बोल दिया शायद दैट इज माई फॉल्ट आई थिंक बिकॉज आई डोंट नो दे आर नॉट गिविंग यू एनी हिंट ऑफ वॉट इज योर फॉल्ट और नॉट वाई दे आर रिजेक्टिंग यू. कि इतनी सारी लड़कियों में 100+ या 200+ लड़कियां आई थी उनमें से सिलेक्ट सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 ऐसे हुई थी बस. तो फिर उसके बाद हमें ना उन्हें उन्होंने बहुत टाइम वेट कराया. हमारा 2:30 बजे या 3 बजे तक कंप्लीट हो गया था फिर हमें 4:30 बजे बताया गया कि आप लोग रिजेक्ट हो गए हो एंड बेटर लाइक नेक्स्ट टाइम. तो फिर 4th राउंड तक बस लास्ट वही होता है ना उसी राउंड में आई थिंक बहुत शॉर्ट वे में बोला इस वजह से शायद मैं रिजेक्ट हुई. बट फिर मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा टॉपिक को लॉन्ग खींच के एंड थोड़ा सा लाउडली बोलूंगी चीज़ों को ताकि मैम मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग अच्छे से और करें. तो या बट अब उसके बाद ऐसी पनौती लगी कि अब तो इंटरव्यू लखनऊ में हो ही नहीं रहे हैं और इस बार मार्च में भी इंटरव्यूज लखनऊ में नहीं है गाइज दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. सो या मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या कैरी किया था. पहला आधार कार्ड हार्ड कॉपी एंड फोटो कॉपी सभी की हार्ड कॉपी एंड फोटो कॉपी दोनों चाहिए होती है ओके. पैन कार्ड पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो मैंडेटरी है ले जाना अगर नहीं है तो आप वहाँ पे बोल दीजिएगा कि मैंने अप्लाई किया है. अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो वो तभी ये पूछते हैं पहले नहीं पूछते हैं. उसके बाद फिर आपका 10th एंड 12th दोनों की मार्कशीट सिर्फ 12th की ही नहीं 10th की भी आपकी मार्कशीट होनी ही होनी चाहिए. तो हार्ड कॉपी फोटो कॉपी दोनों की एंड आपकी CV एंड 5 फोटोज इतनी सारी चीजें मैंने कैरी करी हुई थी. पेन कैरी किया हुआ था तो या ड्रेस में मैंने वेयर किया था एकदम मैंने कैबिन क्रू वाली ड्रेस डिस्प कर रखा था लाइक मुझे फील भी तो आया कि हमें इंटरव्यू देने गई. सो आई थिंक दैट वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था. तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय बाय.